दोस्तों अक्सर ही हमारे साथ ऐसा होता है कि चलते चलते पैर मुड़ जाता है या स्टेयर्स उतरते में पैर मुड़ जाता है। इसकी वजह से पैर में सूजन आ जाती है, पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो आज बात करेंगे इसी के बारे में, इसको घर पर कैसे ठीक करना है और एक्सरे कब कराने की ज़रूरत है, कब एक्सरे की ज़रूरत नहीं। नमस्कार, मैं डॉक्टर जयदीप, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, छोटी ही वीडियो रखेंगे और सिर्फ काम की बातें करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें तो इसका घर पर ट्रीटमेंट आप क्या कर सकते हो। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पर आइस पैक लगाइए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसकी गर्म सिकाई कर लेते हैं, जैसे गर्म पानी में पैर डाल के बैठ जाएंगे या हॉट पैक लगा लेंगे या हीटिंग पैड जो घरों पर होता है वो लगा लेंगे। तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है, आपको सिर्फ आइस पैक लगाना है। आइस पैक आपकी स्वेलिंग को कम करने में हेल्प करता है। दूसरा आपको क्या करना है, पैर को बिल्कुल भी लटका के नहीं बैठना है। जैसे अगर आप बेड पे बैठे हैं और पैर आपका नीचे लटका हुआ है तो उस सिचुएशन में डेफिनेटली स्वेलिंग बहुत बढ़ जाएगी, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। आप अगर बेड पे बैठे हैं तो दो पिलो के ऊपर अपने पैर को रख के बैठिए, या फिर अगर आप चेयर पे या कहीं और बैठे तो सामने एक और चेयर रख लीजिए और उसके ऊपर उस पैर को रखिए, नीचे लटका के बिल्कुल मत बैठिए। दूसरा दोस्तों, एंकल बाइंडर यूज़ करिए या क्रेप बैंडेज यूज़ करिए, दोनों में से आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। ऑल दो एंकल बाइंडर बेटर है, वो लूज़ नहीं होता है। क्रेप बैंडेज क्या होती है, आप जैसे क्रेप बैंडेज वही होती है जो ऑरेंज कलर की बैंडेज होती है, जो गर्म पट्टी जिसको बोलते हैं, वो क्या होती है, आप अभी बांध लेंगे थोड़ी देर बाद वो लूज़ हो जाएगी। एंकल बाइंडर में क्या होता है, वो पूरा टाइटली फिट आता है आपके पैर पे, तो वो पहन लीजिए, उससे आपके पैर पे कंप्रेशन आ जाएगा और स्वेलिंग भी कम होगी और पेन भी कम होगा। दोस्तों इन सब चीज़ों को आप एक छोटे से फॉर्मूले से याद रख सकते हैं, RICE, राइस। इसका मतलब क्या होता है, आर फॉर रेस्ट, पैर को रेस्ट देना है, ज़्यादा आपको चलना फिरना नहीं है, बिल्कुल रेस्ट करें। आई से आइसिंग, बर्फ से सिकाई करना है या कोल्ड कंप्रेस देना है। सी फॉर कंप्रेशन, जैसे अभी बात किया क्रिप बैंडेज या एंकल बाइंडर। ई फॉर एलिवेशन, जैसे कि आपने बेड पे पिलो के ऊपर रख लिया या स्टूल के ऊपर रख लिया। दोस्तों सबसे बड़ी दुविधा जो लोगों के मन में होती है वो ये होती है, एक्सरे कराएं या ना कराएं। तो देखिए इसका बहुत सिंपल सा फंडा है, अगर आपके पैर में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है, आप पैर को नीचे नहीं रख पा रहे हैं या चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो उस सिचुएशन में आपको एक्सरे कराना है। या फिर आपको पेन इमीडिएटली स्टार्ट हो गया है चोट लगने के बाद, जैसे ही आपका पैर मुड़ा और बहुत ज़्यादा पेन एकदम से हो गया, उस सिचुएशन में डेफिनेटली आपको एक्सरे कराना है। या फिर जब पैर मुड़ा है तब कोई साउंड आया है, क्लिक का छोटा सा साउंड आपको सुनाई दिया, कटक या कुछ भी XYZ, तो उस सिचुएशन में आपको जरूर अपना एक्सरे कराना है। अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत पेन है, मैनेजेबल है, आप इजीली चल पा रहे हो, कोई इतना स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, और आपका पेन जो स्टार्ट हुआ है वो चोट लगने के, सपोज कीजिए 4 घंटे आपको कोई पेन नहीं था, आपने अपने सारे काम करे, आप घूम फिर रहे थे, या आपको एक दिन कोई पेन नहीं रहा, या आपको 8-10 घंटे कोई पेन नहीं रहा, फिर इसके बाद धीरे धीरे पेन डेवलप हुआ, स्वेलिंग डेवलप हुई, तो उस सिचुएशन में फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो वो नियरली नेग्लिजिबल है। तो उस सिचुएशन में अगर आप एक्सरे नहीं भी कराएंगे तो चलेगा, बट हाँ अगर ये चीज़ परसिस्ट कर रही है डिस्पाइट ऑफ ट्रीटमेंट, तब फिर आपको डेफिनेटली एक्सरे कराना है। दूसरा, एक लोगों का बहुत कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि सर हमें तो चोट लगे हुए 3 हफ्ते हो गए या 1 महीना हो गया, बट अभी भी हमारे पैर में दर्द है। तो दोस्तों होता क्या है, अगर आपको सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, सपोज कीजिए फ्रैक्चर नहीं हुआ है, केवल आपका जिसको मांस फटा होना कहते हैं, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, तो उस सिचुएशन में कई बार ये सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज 3 वीक से 4 वीक्स भी ले जाती हैं ठीक होने के लिए। तो ऐसा मत समझिए कि आपको ये क्या हो गया, ये ठीक नहीं हो रहा है या बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर थोड़ा बहुत पेन है, मैनेजेबल है, चल रहा है, तो वो विद टाइम धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा, वो कोई इतना बड़ा मेजर इशू नहीं होता, अनटिल अनलेस आपको कोई फ्रैक्चर ना हुआ हो, तो उस सिचुएशन में आप एक एक्सरे जरूर अपना करा लें, अगर आपका पेन 1 हफ्ते में या 10 दिन में नहीं जा रहा है तो। और अगर फ्रैक्चर नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो सिंपली क्रेप बैंडेज या थोड़ी बहुत मेडिसिन से ठीक हो जाता है। दोस्तों कई बार क्या होता है, हम पेशेंट को जैसे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है, फ्रैक्चर नहीं है, केवल मांस फटा है, और हम उसको बोलते हैं कि आप प्लास्टर लगवा लो, तो वो शॉक्ड हो जाते हैं कि हमें तो कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है, फिर हम प्लास्टर क्यों लगवाएं। दोस्तों ऐसा नहीं है, हम सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में भी प्लास्टर लगाते हैं जिससे उसको प्रॉपरली हील होने का टाइम मिल जाए। अदरवाइज क्या होता है, अगर आप उस पर चलते रहेंगे और आपको अच्छे, सपोज कीजिए आपको अच्छी खासी स्वेलिंग आ गई, पेन होने के बाद पेन भी हुआ खूब सारा, स्वेलिंग भी खूब आ गई, बट आपका एक्सरे नॉर्मल है, उसमें कुछ नहीं है, आपको फ्रैक्चर कुछ भी नहीं है, उस सिचुएशन में क्या होता है, हम प्लास्टर कर देते हैं 10-15 डेज के लिए, उससे उसको हीलिंग के लिए अच्छा टाइम मिल जाता है और वो जल्दी हील कर जाता है। ये बेटर ऑप्शन है बजाय इसके एंकल बाइंडर और मेडिसिन के।
तो दोस्तों ये थी मोटी मोटी बात एंकल इंजरीज में, घर में क्या करना है, एक्सरे कब कराना है, कैसे ठीक होता है। अगर एंकल इंजरीज या फुट इंजरीज के बारे में आप मुझसे कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसके जवाब देने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। या किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बनाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। और वो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। इसी के साथ फिर मिलेंगे।